गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने नगर परिषद में गोहाना की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर केरला में आई बाढ़ से बेघर हुए वहां के लोगों की सहायता के लिए सहायता राशि और अन्य सामान भेंट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्य नगद राशि के अलावा टी शर्ट, लुंगी, साड़ी, खराब न होने वाले फूड, मोमबत्ती और दवाइयां, सूखे दूध के पाउच आदि भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्था के सदस्य हैं 23 तारीख तक उन्हें राशि के अलावा जो चीज भेंट करना चाहते हैं वे दे सकते हैं, जिसके बाद उस सामान को सोनीपत के कार्यालय भिजवाया जाएगा, जहां से सामान को एक गाड़ी में लोड करें दिल्ली एयरपोर्ट पर भेजकर हवाई जहाज के माध्यम से केरला भेजा जाएगा। आज गोहाना के अंदर जितने भी एनजीओज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सभी को बुलाया गया था। उसको बुलाने का पर्पज़ था केरला के अंदर जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो डिजास्टर आया है, उस आपदा के अंदर सारे के सारे आपसी तालमेल से मिलजुल के सहयोग करें, जिससे हम उन भाइयों का केरला के अंदर जिस आपदा में जो भाई हमारे फंसे हुए हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। ये है कि जितना भी हमसे बन पड़े रेडी टू ईट आइटम्स हों, क्लॉथ्स हों, टॉवल्स हों, नैपकिन्स हों, टूथ ब्रशेस हों, मेडिसन्स हों और मिल्क पाउडर हो, जो वहाँ की बेसिक नेसेसिटी है, जो आज के टाइम उनको ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सारा एरिया फ्लडेड है और वहाँ पे खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। हाँ, सारे के सारे सरकारी अधिकारी, सारी संस्थाएँ अच्छा सहयोग कर रही हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपनी एक दिन की सैलरी डोनेशन में दी। कोशिश है जल्दी से जल्दी जो भी डोनेट करना चाहे वो जल्दी से जल्दी कर दे प्रशासन को, और प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी केरला ट्रांसपोर्ट करा देगा। आज न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।